तो गाइस इस वक्त शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम होने वाला है और उसके साथ साथ अंधेरा भी होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना सही टाइम पे वलीमे का सेटअप लगाने भी आ गए। और यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है सुबह के टाइम वलीमा होता है, तो अभी यहाँ पर जो है ना टेंट शेट लगना स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि सुबह जो है ना सब कुछ रेडी हो। ये कुर्सियाँ वगैरह आ गई हैं और कुर्सियों के ऊपर जो अभी कवर नहीं चढ़ाए, सिर्फ कुर्सियाँ हैं। और इसके अलावा ये सारा सामान लेके आए, टेंट वगैरह, कारपेट, एवरीथिंग। तो स्टेज भी बनेगा, स्टेज इस तरफ बनाएंगे और इसके अलावा बीच में कनात आ जाएगी, औरतों के लिए अलग होगा और मर्दों के लिए अलग। तो यहाँ पर अभी ये काम जारी है, तो मुकम्मल इंशाल्लाह रात तक हो जाएगा और सुबह आपको दिखाएंगे। तो ये खड़ा हो जाएगा, फिलहाल मतलब ये लोग सब कुछ रेडी कर देंगे, कल जाके जो ना फिनिश करेंगे। हाँ तो भाई ये सीन है, तो भाई ये जो है ना अच्छा काम हो गया, रातों रात हो जाएगा ताकि कल जो है ना सुबह वलीमा हो तो सब कुछ रेडी हो। तो काश सर्दी की लहर ऐसी आई है कि सुबह से मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया और बगैर जो है ना हाथ मुंह धोया घूम रहा हूँ। अभी रेडी होते हैं जल्दी से बारात के लिए और धुंध भी बढ़ती जा रही है, तो चलें जी अंदर चलते हैं, थोड़ा जो है ना हुलिया बेहतर करते हैं और बारात के लिए रेडी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू बारात व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आज थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, काफ़ी सर्दी लगी है। पिछले 5 दिन से इवेंट्स जो है ना सर्दी में हुए हैं और जो ना आपके भाई की कुल्फी जम गई थी, तो अभी थोड़ा सा जो ना आज व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और अभी व्लॉग स्टार्ट करो, साथ ही साथ में जो ना थोड़ा सा हिम्मत पकड़िए। सुबह से लिटरली पानी को मैंने हाथ नहीं लगाया था क्योंकि इतनी सर्दी थी और मुझे जो ना थोड़ा बहुत फीवर भी फील हो रहा है। तो अभी फाइनली हिम्मत की है क्योंकि बारात लेके जानी है और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बारात में कौन जाएगा, तो इसलिए ना अभी रेडी शेडी हुआ हूँ। अभी फुल रेडी नहीं हुआ लेकिन व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बाहर गया था वलीमे का सेटअप लगा था वो दिखाने गया था, उसके बाद अभी जो है ना रेडी होकर व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले जो ना नमाज अदा करते हैं क्योंकि सब कह रहे हैं चाचू घर वाले कि आप पहले नमाज अदा करो, नफिल अदा करो, उसके बाद जो है ना फिर सब मिल के बारात लेके जाएंगे। तो बंदे रहेगा और बस यही दुआ है कि आज का दिन जो बारात का दिन ना सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मुझे जो ना सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, दूल्हे को एक्टिव रहना पड़ेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करूँ सब ठीक ठाक हो जाए और आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा, आप सब ने हमेशा दुआएं किए मेरे लिए। तो आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी आने वाली न्यू लाइफ को मेरी वाइफ के साथ। चलें सबसे पहले अभी सर्दी भगाने के लिए अम्मी अंडे बॉयल करी और चाय बना रही है, वो खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जैसा कि मैंने बताया मुझे फीवर हो रहा है तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास दूध का पिया, तो अभी अंडे खाते हैं, चाय पीते हैं और मिलते हैं गाइस आपसे कुछ ही देर बाद। यहाँ पर अम्मी बैठी हुई हैं, चाची मेरी बैठी हुई हैं और ये देखें राबिया बैठी हुई है, अंडे उबल रहे हैं आपके। हाँ मैंने बताया अंडे उबल रहे हैं भाई, सर्दी बहुत लगी है मुझे, बहुत सर्दी लग रही है। अभी जैसे अंडे उबलते हैं आपको देखते हैं। गाइस मुझे जो है आज ना अम्मी ने बारात के लिए ना रेडी किया और जो है ना मैं बताता चलो अम्मी ने मेरे चेहरे पे मेकअप किया है अम्मी, बस ये देख लेना की चाची आपको दिख रहे हैं चेहरा, आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। मुझे तो फर्स्ट टाइम किया, मुझे ऐसा नहीं कि अजीब हो गरीब लग रहा हूँ, होता है ऐसा? अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। अच्छा गाइस मुझे नहीं पता लड़के मेकअप करते नहीं करते, लेकिन घर वालों ने ना बोला कि तुम थोड़ा सा कर लो क्योंकि जो ना सुबह से जैसा कि मैंने बताया तबीयत डाउन थी और जो ना मुंह हाथ भी नहीं धोया था, तो थोड़ा सा जो ना चेहरे को जो ना मतलब ग्लो करने के लिए कुछ लगाया है। बेटा इतना तो बताता कि मैं आपको अंडे उबाल के दे देती, अंडे पड़े हुए थे तो मैं बिस्तर में, मुझे लगा कि मैं बिस्तर में छुप के जो ना लेटा रहूंगा ना तो थोड़ा सा बेटर फील करूंगा और जो ना सर्दी भाग जाएगी, लेकिन अभी तक जो ना सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है और जो ना जिसम ना कप कपा रहा है, ऐसा ऐसा ना जिसम कप कपाता है ना वैसे ही हो रहा है। ये देखो और भी अंडे मंगा के इतना सारे मैंने रखे थे। अच्छा इन सब अंडों से मेरे ख्याल से सारे अंडे बॉयल करके ले जाएंगे, बाबर रास्ते में खाते जाऊंगा जितनी ठंडे। तो गाइस अभी जो है ना यहाँ पर अंडे खाते हैं उसके बाद चाय भी पीते हैं। तो गाइस फिर से जो है ना इस सर्दी में मुझे फेस वॉश करना पड़ गया है क्योंकि इससे पहले जो मेकअप कराया था मुझे सूट नहीं करा था और बहुत ओल्ड लग रहा था, तो इसलिए जो है ना दोबारा से मैंने इस सर्दी में फेस वॉश किया है। और जो है ना अभी बार बारात वेट कर रही है तो मैंने वजू भी किया है, तो सबसे पहले जो है ना नमाज अदा करते हैं, नफिल अदा करते हैं और फिर जो है ना बारात के साथ जाएंगे। तो जल्दी से अभी नमाज अदा करते हैं और फिर जो है ना बारात को ज्वाइन करते हैं। और अब जो है ना थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना अंडे उबा के खाएं और जो है ना साथ में चाय पिए तो थोड़ा सा जो है ना सर्दी दूर गई है और थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो बस यही दुआ है कि आज का इवेंट ना बस अच्छे से गुजर जाए, अल्लाह ताला जो है ना आसानी फरमाए। तो अभी जल्दी से नमाज अदा करते हैं, जहाँ नमाज उठा लेते हैं, नमाज अदा कर ली है और बाहर जो है ना ढोल ढमके स्टार्ट हो गए, अभी जो है ना शेरवानी पहनते हैं और ये जूता पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं सॉरी, तो ये कुर्ता जो है मैंने छुपाया हुआ था संभाल के क्योंकि अब जो है ये मेरी सालियाँ जो है आज से छुपाने वाली है, अभी इसको बचाने के लिए क्या करूँ। मेरे पास ना हाँ मेरा साहिबा कोई बोलो, मैं आगे देता हूँ, बोलो उतारो नहीं, ये मत बोल नहीं उतारो उतारो नहीं
आप आइडिया देने वाले ना, आपने बोला मैं आइडिया देता हूँ, क्या आइडिया है? आपने उतारना नहीं है ना, बस उतारना नहीं है। मेरे पास सही बताऊँ ऐसे पेयर ना दो है, क्योंकि मैंने एक और सूट बनाया था वो सेम कलर का था, तो मेरे पास दो जूते, लेकिन खैर नहीं, हम लोग ना छिपा लेंगे। खेड़ी चप्पल पहन लो। चलो भाई, चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, इस वक्त सब बाहर वेट करें, जल्दी से पहनते हैं शेरवानी, आ जाए पहना देते हैं। बिस्मिल्लाह। कहाँ की शर्मा, अम्मी अम्मी को पहना लिया नहीं ना, मुझे पहन लिया अम्मी, एक मिनट हो होपफुली ये सर्दी से बचाएगी मुझे, और ये क्लोज है ना। हाँ ये थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे। हाँ ये गर्म है, बाकी जो जितने भी इवेंट के जो ना पिंस कोट थे और कमी शरारती कुर्ते थे, तो वो जो इतने गर्म नहीं थे, शुक्र ये गर्म है, और आज जो ना सही टाइम पे ये पहन रहा हूँ। मैं भी शाल इस वजह से पहन रही हूँ, बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है गाइस, बाहर मुंह से धुएं निकलते हैं, लिटरली मुंह से धुएं निकलते हैं, तो बोला था इतनी सर्दी है कि बाहर डिले करते हैं। छोड़ो यार, चलो आ जाओ जल्दी करो। अरे मजाक करता ये जॉब, आप भी हंस लीजिएगा जैसे अम्मी हंसी। चलो 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 चलो, भाभी जो ना एक और चीज लेके आई पहनाने, तो ये क्या कहते हैं बताएं? गाना कहते हैं, तो ये पहना रही है भाभी, ये क्या पहने? दूसरा तो बहुत चल रहे, एक जो ना हाथ में पहना है, दूसरा पाँव में पहना जा रहा है। नहीं आ रहा तो छोड़, चलो शुक्र लिया, शुक्र पाव वाला लिया, अच्छा लग रहा है, देखो अल्ली को नहीं बनाया, अल्ली का किधर है? कैसा लग रहा है अल्ली? ये फर्स्ट टाइम पहने, मैंने लास्ट में चलो आ जाओ यार, आ जाओ यार, ये बकार पाई के बड़े चाचू को बना पहले पहले वो खेल दिन तक मरा या जीओ या गफा यार बना, असां जिस मक़सद ते दुआ मंगदियूं असां दुआ मंज़ूर मक़बूल कयो या अलाह ख़ुशी पाए तकमील तक पहुचाऊं असल अलाह ताला ख़ैर ख़लक ही वधीन के फ़र्श ही मुहम्मद वाले ही अजमई आगे।
Thank you.
We'll be right back.